हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेशु और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कुकिंग विद रेशु में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं गट्टे की सब्जी बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका है और सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट बनने वाली है, बस सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गट्टे बनाने के लिए डो लगाएंगे। इसके लिए ये मैंने लिया है 1 कप बेसन। बेसन में डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से भी कम डाला है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच। दही डालेंगे 2 छोटे चम्मच। ऑयल डालेंगे लगभग 3 से 4 छोटे चम्मच। ऑयल डालने से जो हमारे गट्टे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। ऑयल की हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी, ये थोड़ा सा ऑयल मैंने अलग रख लिया है। पहले सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसका डो लगाएंगे थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि मिक्स करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि इसमें कितना पानी डालना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले थोड़ा सा हाथ पर पानी लिया है, फिर डाला है बेसन में। आप चाहें तो किसी स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़े से पानी में ही आप देख सकते हैं कितना गीला हो गया है। तो अभी ये मुझे तो ज़्यादा गीला लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लूँगी। ये मैंने लगभग 2 छोटे चम्मच बेसन और ले लिया है, इसे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी इसमें। बिल्कुल आप जैसे रोटी के लिए डो लगाते हैं वैसा ही डो हमें लगाना है, ना ही ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। अगर टाइट डो होगा तो जो गट्टे हैं वो काफ़ी सख्त हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। और अगर आपने ज़्यादा पतला कर दिया डो, तो आप जब इसे पानी में उबालेंगे तो ये फैलने लगते हैं। बेसन का मैंने सॉफ्ट डो लगा लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कितना सॉफ्ट लगाया है, ज़्यादा टाइट नहीं है डो। अब क्या करेंगे, हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसे बिल्कुल स्मूथ कर देंगे डो को। अच्छे से मसल मसल कर इसको स्मूथ करना है, जिससे कि जो गट्टे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बने। एक इंग्रेडिएंट और है जो हमें ऐड करना है गट्टे बनाने में, वो है अजवाइन। ये मैंने 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन ली है। उसको हाथ से इस तरह क्रश करके डाल देंगे बेसन में, क्योंकि जो अजवाइन होती है वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर हम गट्टे में इसको ऐड करेंगे तो जो गट्टे की सब्जी है वो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगी, क्योंकि बेसन जो है वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए अजवाइन आप ज़रूर डालें। अगर आपको टेस्ट नहीं है पसंद अजवाइन का, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। डो को मैंने ऑयल लगाकर अच्छे से स्मूथ कर लिया है, लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गूथा है मैंने इसको। और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है ये हाथों से या फिर बोर्ड से भी। तो अब क्या करेंगे, गट्टे बना लेंगे इसके। गट्टे बनाने के लिए डो में से थोड़ा सा पार्ट लेकर इस तरह हाथ से इन्हें गोल गोल शेप में बनाएंगे, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं वीडियो में। गट्टे बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो गट्टे हैं उनके ऊपर क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ऊपर से भी और इधर साइड से भी। इसी तरह से मैं सभी गट्टे बना लूँगी पूरे डो से। सभी गट्टे मैंने बना लिए हैं, अब बारी है इन्हें उबालने की। उबालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो पानी है उसको पहले अच्छे से उबाल लें, उसके बाद उसमें गट्टे डालें। ऐसा ना हो कि पानी ठंडा है फिर आपने इसमें गट्टे डाल दिए तो आपके जो गट्टे हैं वो एकदम फैल जाएंगे पानी में और नीचे चिपक जाएंगे। गट्टों को इसी तरह उबलते हुए पानी में लगभग 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे और गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू हाई। 3 से 4 मिनट के गैप में आप इन्हें पलटते भी रहें। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद गट्टे अच्छे से पक गए हैं। आपको पहचान कैसे करनी है कि गट्टे पके हैं या नहीं, इसके लिए आप ये जैसे कि देख सकते हैं कि जो गट्टे हैं वो बिल्कुल तली में नहीं हैं, पानी में ऊपर आ गए हैं, ऊपर तैरने लगे हैं। इसका मतलब गट्टे अच्छे से पक गए हैं, यही पहचान है गट्टे के पकने की। तो अभी कर देंगे गैस को ऑफ और गट्टे जो हैं इनको निकाल लेंगे पानी में से प्लेट में, जिससे कि गट्टे जल्दी से ठंडे हो जाएँ और हम इन्हें पीसेज में कट कर लें। और ये जो पानी लिया है हमने गट्टे उबालने के लिए, इन्हें हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अभी पानी को भी मैं रख दूंगी साइड में। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 3 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर हैं जिन्हें पीस कर पेस्ट बनाना है, कद्दूकस किया हुआ अदरक 1 छोटी चम्मच, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लगभग 1/2 कप फ्रेश फेंटा हुआ दही, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, जीरा 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1/2 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे,
लाल मिर्च पाउडर 1.5 छोटी चम्मच, ये मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी। हल्दी पाउडर 3/4 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, हींग लेंगे 1 से 2 पिंच। इनके अलावा हमें चाहिए ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल, गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब रखेंगे गैस पर कोई भी कढ़ाई या पैन और इसमें डालेंगे लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे जीरा और 1 पिंच हींग और इन्हें भून लेंगे अच्छे से। कटा हुआ प्याज डालेंगे इसमें, कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च भी अभी डाल देंगे और प्याज को हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। प्याज को गोल्डन होने तक मैंने अच्छे से भून लिया है तो गैस को अभी कर देंगे बिल्कुल लो और इसमें कुछ मसाले डाल देंगे जैसे कि 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर। मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर। अभी इसी जार में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसी में डाल दिया है। मिक्स करेंगे अच्छे से और इसी तरह मिक्स करते हुए टमाटर को लो मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता। और ध्यान रखें मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है, नमक मैं दही ऐड करने के बाद डालूंगी क्योंकि अगर मैं पहले ही नमक डाल दूंगी तो दही के फटने का भी डर रहता है। मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है, अब इसमें डालेंगे दही और दही एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले जैसे कि स्पून से आप थोड़ा सा डालें फिर मिक्स कर लें अच्छे से। ये मैंने 1 स्पून डाला, फिर इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे, इससे दही जो है बिल्कुल फट नहीं सकता। आपको ध्यान रखना है कि दही जो है वो ज़्यादा खट्टा ना हो क्योंकि टमाटर भी डाले हैं और दही भी डाला है तो ज़्यादा खट्टी हो सकती है ग्रेवी, इसीलिए आप ध्यान रखें दही जो है वो काफ़ी फ्रेश हो तभी यूज़ करें। अगर ज़्यादा खट्टा है तो आप 1-2 चम्मच ही डालें केवल। ग्रेवी में दही डालने के बाद उबाल आ गया है तो अब क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें वही वाला डालना है जिसमें हमने गट्टे उबाले थे। अब आपको जैसी भी ग्रेवी पसंद है, गाढ़ी या पतली, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ग्रेवी को उबाल आने तक अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने बचा हुआ जो पानी था वो भी डाल दिया है इसमें क्योंकि जब हम गट्टे डालते हैं तो गट्टे भी काफ़ी पानी सोख करते हैं, इसीलिए आप पहले ही ध्यान रखें थोड़ा ज़्यादा पानी रखें जिससे कि अगर गट्टे सोख भी कर लेंगे तो जो आपकी गट्टे की सब्जी है वो ज़्यादा थिक नहीं होगी। ग्रेवी में उबाल आ गया है तो अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। ये मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ग्रेवी को लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। जब तक जो गट्टे हैं इनको पीसेस में कट कर लेंगे। ध्यान रखें ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस भी ना रखें इसके, थोड़ा पतला ही कट करें जिससे कि सॉफ्ट रहें गट्टे। ये गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं जैसे कि अभी आप देख भी सकते हैं मैं कट कर रही हूँ तो कितनी इजीली कट हो रहे हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने हैं तो आप क्या करें, जब आपने डो लगाया हो गट्टे का तो आप उसमें डाल दें बेकिंग सोडा, और ज़्यादा नहीं डालना है बेकिंग सोडा, केवल 1 पिंच आपको डालना है। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया ना बेकिंग सोडा तो सारे जो गट्टे हैं वो पानी में ही फैल जाएंगे, इसीलिए आप ध्यान रखें कि 1 पिंच बेकिंग सोडा डालें या फिर आप ऐसे ही बना लें, ऐसे भी बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि इसमें हमने ऑयल डाला है। अब इन गट्टों को डाल देंगे ग्रेवी में, मिक्स कर देंगे थोड़ा सा और इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, ढक देंगे।
तीन से चार मिनट के बाद सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी ये सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। और कुछ देर के बाद गैस को कर देंगे अभी ऑफ और ये गट्टे की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे सर्व करें पूरी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ, और राइस के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है ये, और इसकी ग्रेवी तो बहुत ही यम्मी लगती है। तो जब भी आपको समझ ना आए कि आपको सब्जी में क्या बनाना है या फिर आपका बाहर से सब्जी लाने का मन ना हो, तब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये गट्टे की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।